नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज एक ऐसे शक्तिशाली और चमत्कारी वशीकरण टोटके के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे करने के बाद जो बात भी नहीं करता या जो बात भी नहीं करती वह खुद मिलने के लिए तरसेगी। जो आपको भाव नहीं देता, जो आपको देखता तक नहीं, आपसे नाराज है, आपसे दूर जा रहा है, या कोई भी ऐसा इंसान चाहे वह एक तरफा ही आपको प्यार कर रहा हो, अगर वह आपको छोड़ रहा है, आपसे दूर जा रहा है और आप उसे वापस पाना चाहते हैं, तो आज का यह उपाय जरूर कर लेना। बहुत सरल सा उपाय होने वाला है। दोस्तों, आज का जो उपाय है वह अंक से यानी नंबर से होने वाला उपाय है। केवल 7 नंबर का आपको इस्तेमाल करना है और सामने वाला व्यक्ति चाहे वह लड़का हो या लड़की, पति हो या पत्नी, आपके लिए तड़पने लगेगा, बेचैन होने लगेगा और खुद वापस आएगा। बहुत शक्तिशाली उपाय होने वाला है। इस उपाय को जब भी आप करें, उससे पहले एक बात का विशेष ध्यान रखें कि उपाय पर पूरा विश्वास होना चाहिए, तभी उपाय अच्छी तरीके से कार्य करता है। दोस्तों, कोई भी हो, स्त्री पुरुष, पति पत्नी, प्रेमिका, कोई भी ऐसा जोड़ा अगर टूट रहा है, कोई भी बाहर का व्यक्ति आपके जीवन में आ गया है जो आपके प्यार को, आपके प्रेम को आपसे छीन रहा है, आपसे दूर ले जा रहा है, या सामने वाला आपकी परवाह नहीं करता, आपसे बात करना छोड़ दिया है, चाहे बात विवाहित जोड़े, बस यह एक उपाय कर लीजिए। वह इंसान जो आज आपको छोड़ रहा है, आपसे दूर जा रहा है, वह हमेशा के लिए आपके पास आ जाएगा। उसके जीवन में आपके अलावा कोई भी नहीं होगा। दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है कि इसे करने के बाद सामने वाला आपके लिए इतना पागल हो जाएगा कि वह कभी भी आपको छोड़कर नहीं जा पाएगा, आपके लिए हमेशा बेचैन रहेगा, उसके दिल में, उसके दिमाग में आप हमेशा छा जाओगे। बहुत शक्तिशाली उपाय है। इस उपाय को आपको एक बार जरूर करके देखना चाहिए। इस उपाय को स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है और किसी के लिए भी कर सकता है, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उपाय कैसे करना है। आपको एक स्थान पर कोई भी आसन कपड़ा बिछा करके बैठ जाना है। बैठते समय आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए या फिर पूर्व की होनी चाहिए। आप जब बैठेंगे तो आपको उस समय अपने साथ एक लाल या हरे रंग का स्केच पेन ले लेना है, लेकिन ध्यान रहे कि परमानेंट मार्कर पेन नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको पालती लगा करके एकांत स्थान पर बैठ जाना है। अब आपको सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ करके उस व्यक्ति का स्मरण करना है जिसके लिए भी आप यह उपाय कर रहे हैं। अपने अंतर मन में उसका ध्यान करना है, उसके चेहरे को अपने मन मस्तिष्क में रखना है। जब आपको ठीक प्रकार से वह आपके मन में दिखाई देने लग जाए, तब आपको क्या करना है कि आपका जो उल्टा हाथ है, उल्टे हाथ के हथेली के बीच यानी लेफ्ट हैंड के बीचों बीच संख्या लिखनी है 7, और ठीक उसके नीचे एक बिंदी लगा देनी है। अब आपको क्या करना है कि जो आपका सीधा हाथ है, जो आपका राइट हैंड है, उसका अंगूठा नंबर 7 के ऊपर रखना है। इस तरीके से रखना है कि 7 और बिंदी दोनों ढक जाएं और आपको ना दिखाई दें। उसके बाद आपको आंखें बंद करके उस व्यक्ति को फिर से एक बार स्मरण करना है और वीडियो में दिखाए गए इस शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण करना है। ओम त्राहि त्राहि सूत्र अमुक वश्यः वश्यः स्वाहा। दोस्तों, अमुक के स्थान पर आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। फिर आपको अपना नाम लेना है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी है, पहले नाम उसी का आएगा जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं। मंत्र को आपको केवल 3 बार बोलना है, उसके बाद अंगूठा हथेली से हटाना है, आंखें खोल लेना है और उस स्थान से खड़े हो जाना है, और इस नंबर को आपको अपने हथेली पर लिखा रहने देना है। जब भी आप हाथ धोएंगे, किसी वजह से जो भी कार्य करेंगे, यह अपने आप मिट जाएगा, आपको मिटाना नहीं है। दोस्तों, यह नंबर जैसे जैसे मिटने लगेगा, धीरे धीरे करके वैसे वैसे आप सामने वाले के मन में आते चले जाओगे, और जैसे ही यह पूरा मिट जाएगा, सामने वाला आपके लिए बेचैन होकर तड़प कर खुद आएगा और उसने जो भी गलती किया है उसके लिए आपसे माफी मांगेगा। बस आपको सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ
इस उपाय को करना है और थोड़ा धैर्य रखकर चलना है, क्योंकि बिना विश्वास के किया गया कोई भी उपाय कार्य नहीं करता, इसीलिए उपाय पर पूर्ण विश्वास होना अत्यंत आवश्यक है। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।